एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 8 का एक नया चैप्टर जो कि हमारा आरएस वाला सॉल्यूशन होगा और इसमें हम देखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में एक्सरसाइज 7A हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें क्वेश्चन और फर्स्ट से कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम पूरा पूरा बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। जहाँ पर दिक्कत आएगी उसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो एक्सरसाइज 7 है जो कि हमारा फैक्टराइजेशन है क्लास 8 का, इसमें क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है फैक्टराइजेशन निकालने को। फर्स्ट 12x प्लस 15 है, तो पहले हम इसको आसान तरीके से बताते हैं करेंगे क्या। 12 का फैक्टर निकालेंगे और 15 का फैक्टर निकालेंगे, यानी 12 किस किस टेबल से कटेगा। 12 2 × 2 × 3, यानी 12 के जगह पर हम ले सकते हैं 2 × 2 × 3, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12 होगा। x को x ही रहने देते हैं, प्लस 15 के जगह पे हम ले सकते हैं 3 × 5। सबको हम फैक्टर निकाल लिए, 12 के जगह पे 2 × 2 × 3, x के जगह पे x और 15 को हम लिख दिए 3 × 5। अब इन दोनों में हम देखेंगे यहाँ पे दो पार्ट हो गया, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, और इस इधर देखें तो ये और ये, इन दोनों में हम देखेंगे क्या मैच कर रहा है। यानी 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, ये दोनों मैच कर रहा है, बाकी इसके अलावा कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो जो मैच कर रहा है उसको हम बाहर निकाल देंगे, जिसको हम बोलते हैं कमन लेना। तो यहाँ से हम 3 को बाहर निकाल देंगे तो बचेगा मेरे पास क्या कि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 3 तो बाहर हो गया, यानी 4x प्लस, यहाँ से तो 3 हम बाहर ले लिए, यानी यहाँ पर क्या बचा तो 5। यही हमारा जो होगा फैक्टराइज का रिजल्ट होगा। इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा, यानी 4 में यहाँ पर लिख देते हैं टेस्ट, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 12x और 3 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसका फैक्टर निकाले, फैक्टराइज किए, तो 3 × 4x + 5 आया, और फिर से इसको हम मल्टीप्लाई किए इसको इससे और इसको इससे, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया 12x + 15, जो कि हमारा क्वेश्चन था। यानी इस क्वेश्चन में हमें जितने भी पार्ट दिए रहे, यहाँ पे दो पार्ट दिया हुआ है, उस पार्ट में हमें कमन निकालना होगा कि कमन क्या रहा है, दोनों में क्या मैच कर रहा है। वो जब हम बाहर निकाल लेंगे तो वही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा। फिर से एक बार कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। यहाँ पर 14m − 21, यानी 14 के जब हम क्या लिख सकते हैं, तो 14 जब लिख सकते हैं 2 × 7 × m, चूँकि 2 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 आ जाएगा m के जगह पे m, माइनस 21 के जगह पे हम क्या ले सकते हैं, तो 21 के जगह ले सकते हैं 3 × 7, चूँकि 3 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 21। अब इन दोनों में हमारा मैच क्या कर रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, 7 मैच कर रहा है, इसको बाहर ले लेते हैं, यानी बच क्या जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बच जाएगा m, यहाँ से 7 बाहर ले लिए यानी 3। यही हमारा फैक्टराइजेशन का रिजल्ट होगा। यदि हम इसको फिर से टेस्ट करना चाहें, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 14m और 7 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21, यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, 9n − 12n², यानी सबसे पहले हम 9 को तोड़ेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे, तो 9 के जब हम लिख सकते हैं 3 × 3n, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 हो जाएगा, n के जगह पे n ही रख दिए। अगेन 12 के जगह पे हम जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, यानी जब हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4 और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 हो जाएगा। और n² का मतलब है कि यहाँ पे n दो बार है, n² है यानी n दो बार, तो इसको लिख सकते हैं n × n। अब देखेंगे इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, तो इन दोनों में एक तो 3 और 3 मैच कर रहा है और एक n मैच कर रहा है, यानी इन दोनों में देखें तो 3 और 3 यहाँ पे भी है, n यहाँ पर भी है, यानी बाहर क्या निकाल सकते हैं, तो बाहर निकाल सकते हैं 3n। जब बाहर निकाल दिए तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे मेरे पास 3 बचेगा, 3n तो बाहर ले लिए, माइनस यहाँ से 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 में n, यानी 4n बचेगा, क्योंकि ये और ये तो हम बाहर ले चुके हैं, बचा क्या, तो 2 × 2n, यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और n। जब इसको हम फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो फिर से आ जाएगा, यानी 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9n और 3 में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 × 3 = 12, n में n से n² यही हमारा आ जाएगा।
तो इस तरीके से इस तीनों क्वेश्चंस को हमने बना दिया, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन निकालना है, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। सेम फर्स्ट क्वेश्चंस के जैसा ही, जो 16a स्क्वायर माइनस 24ab हमें क्वेश्चंस गिवन है, टू का फर्स्ट 16a स्क्वायर माइनस 24ab, तो 16 को हम सबसे पहले फैक्टर निकालते हैं, तो 16 हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2, चूंकि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, यानी 16 की जगह पे हम इतनी बात को लिख सकते हैं। यहाँ पे a स्क्वायर है, यानी a दो बार, तो a एक बार दो बार लिख दिए। अगेन माइनस 24 है, तो 24 की जगह हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2, में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 3 जा 24, ए बी ये हो गया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों पार्ट में क्या क्या मैच कर रहा है, यानी 1 2 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यानी 3 मैच कर गया, यहाँ पर भी 3 मैच कर गया, ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसके अलावा यदि हम मिलाना चाहें तो कोई नहीं मैच करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, तो इसमें अब तो 2 3 ही था, खत्म हो गया, ए 1 है बट इसमें ए नहीं है, बी है। अब जो मिल गया उसको हम बाहर ले लेंगे, यानी 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 बाहर हो जाएगा, रह क्या जाएगा, तो यहाँ से 2a, यानी 2a रह जाएगा, माइनस तो माइनस, यहाँ से तो ये तीनों बाहर ले लिए, तो यहाँ से जब हम जो है मेरा यहाँ से 3 2 मिल गया और 1a, यहाँ पर भी 3 2 और 1a मिल गया। अब हम कुछ भी मिलाने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिलेगा, चूँकि यहाँ से 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 ही था, ए इसमें 2 है बट इसमें 1 है और बी है, तो मिल कुछ नहीं रहा, यानी मिला क्या क्या, तो मिला मेरे पास 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 1 ए, ये दोनों में है, 8 ए इसमें भी है, 8 ए इसमें भी है, तो जो मैच कर गया उसको बाहर निकाल लिए, बचा क्या, तो यहाँ पे 2 ए, यानी 2 ए मेरे पास बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ से ये 2 2 2, यानी 8 तो हम बाहर ले चुके हैं, ए भी बाहर ले चुके हैं, यानी बचेगा क्या, तो 3 और b, यही हमारा इसका रिजल्ट होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 15ab स्क्वायर माइनस 20a स्क्वायर b, ये क्वेश्चन है, तो इसको भी पहले हम तोड़ लेते हैं, 15 के जगह हम लिख सकते हैं 3 into 5, चूंकि 3 और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 into a into b स्क्वायर है, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं b into b दो बार है तो बी स्क्वायर, माइनस 20 जब ले सकते हैं 2 into 2 into 5, चूंकि 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ए स्क्वायर है यानी ए दो बार और बी यहां पर हो जाएगा। अब इनको हम स्प्लिट कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं, गुणनखंड निकाल चुके हैं, अब इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, यानी मैच जो करेगा 5 यहां पे है, 5 यहां पे है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, जिसको हम अंडरलाइन किए हैं 5ab, ये दोनों में मिल रहा है, बट इसके अलावा यदि हम कोशिश करें कुछ मिलाने को तो नहीं मिलेगा, 3 इसमें है ही नहीं, बी है तो बट 1 था जो कि हम मिला दिए, यानी अब कुछ नहीं मिलेगा, तो जो मिल गया जिसको हम अंडरलाइन किए हैं उसको बाहर ले लेंगे, यानी 5ab, ये हमारा बाहर हो जाएगा, बचा क्या, तो यहाँ पे बच गया 3 और यहाँ पे बच गया b, यानी 3b बच गया, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 5ab जो है वो तो हम ले चुके हैं बाहर, बचा क्या, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a, यही हमारा रिजल्ट होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये 12x² y³ - 21x³ y² अगेन इसको भी हम तोड़ लेते हैं, तो 12 को जब ले सकते हैं 2 into 2 into 2, में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है यानी एक्स के जब हम ले सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, वाई क्यूब है यानी वाई 3, 1 2 3, माइनस 21 के जगह पे हम ले सकते हैं 3 into 7 into 3, में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, एक्स 3 टाइम्स है यानी 1 एक्स 2 3
और वाई दो ठो, एक दो, इसको हम तोड़ के लिख लिए। और जब आप बनाने लग जाइए तो इतना तोड़ना जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट भी कमा ले सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन में हम स्टेप को बढ़ाते चलेंगे। तो फिलहाल इसमें देख लेते हैं क्या क्या मैच कर रहा है। थ्री थ्री मैच कर रहा है, एक्स दो है यहाँ पे, यहाँ पर भी एक्स दो है, यानी दो को अंडरलाइन कर लेते हैं। वाई यहाँ पे तीन है बट वाई यहाँ पे दो ही है, तो दो को अंडरलाइन कर लेते हैं, दो। अब इसके अलावा जिसको हम अंडरलाइन किए हैं यदि कुछ भी हम मैच कराना चाहें तो नहीं मिलेगा। दो दो, इसमें दो तो है ही नहीं, फिर एक मेरे पास वाई बचता है, इसमें वाई है ही नहीं, तो जो मैच कर गया उसको हम बाहर ले लेते हैं। यानी थ्री एक्स कितना है, एक एक दो, दो ठो एक्स मैच कर रहा है यानी एक्स स्क्वायर, और दो ठो वाई मैच कर रहा है यानी वाई स्क्वायर, लिख लिए। अब बच क्या रहा है, तो टू में टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर, ये मैच हो गया बाहर ले चुके हैं, ये भी मैच हो गया बाहर ले चुके हैं, ये भी बाहर ले चुके हैं, एक बच जा रहा है मेरे पास वाई, तो वाई को लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस। फिर जिसको अंडरलाइन किया वो तो बाहर ले चुके हैं यानी थ्री बाहर ले चुके हैं, बचा क्या यहाँ पे सेवन, एक्स एक्स इसको बाहर ले चुके हैं, वाई इसको भी बाहर ले चुके हैं यानी एक ठो एक्स, तो यही हमारा आंसर होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।